यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ना शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल गद्य भाग। इससे पहले आपने जो है बेटा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का भक्ति काल और हिंदी साहित्य का रीति काल आप पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य के ये तीन भाग, उसके बाद जो हिंदी साहित्य आता है वो है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। और जो आधुनिक काल है उसके दो भाग है बेटा, गद्य और काव्य। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल काव्य पोर्शन जो है वह आप 5वें सत्र में पढ़ेंगे और 4थे सत्र में आप हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का गद्य भाग पढ़ेंगे। जब आप गद्य भाग पढ़ेंगे तो इसमें गद्य से जुड़ी हुई सभी विधाओं के बारे में जानेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आधुनिक काल पढ़ना शुरू करेंगे, उससे पहले हम आधुनिक काल की परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। आधुनिक काल की परिस्थितियां क्या थी, कैसी थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। आधुनिक काल की परिस्थितियां, आधुनिक काल की परिस्थितियों में हम क्या जानेंगे, हिंदी साहित्य भारतीय समाज के एक सर्वथा नए वर्ग की वाणी को मुखरित करता है। देखिए, जब रीति काल तक आपने जो पढ़ा उससे जो अब का समाज है, सर्वथा का अर्थ है पूरी तरह से नए वर्ग की वाणी को मुखरित करने का अर्थ है कि उसको वाणी देता है, स्वर देता है, जो कि नवीन शासन प्रणाली, नूतन अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप मध्य वर्ग पीड़ित और शोषित था। पूर्ववर्ती कालों में साहित्यकारों ने सामयिक समस्याओं और संघर्षों के प्रति उपेक्षा भाव रखकर स्थायी और शाश्वत को साहित्य में स्थान दिया, परंतु आधुनिक काल का साहित्य विशेष रूप से गद्य साहित्य के यथार्थ चित्रण का विषय बना। इस प्रकार साहित्य में जीवन का अधिक व्यापक चित्रण होने से वह हमारे जीवन के अधिक निकट आ सका, इसका श्रेय तत्कालीन परिस्थितियों को दिया जा सकता है। आपने इसमें सिर्फ यह बात जानी है और समझी है इन पंक्तियों के माध्यम से कि आधुनिक काल से पहले जितनी भी रचनाएं लिखी गई उसमें क्या था, जो हमारे जीवन मूल्य थे, जो आदर्शात्मक बात थी कि समाज ऐसा होना चाहिए, वो लिखा गया था। और जो आधुनिक काल है उसमें क्या लिखा गया है कि वो हमारे यथार्थ जीवन को चित्रित करता है कि हमारे जीवन में ये पीड़ाएं हैं, ये समस्याएं हैं, ये दुख है, अर्थात सच्चाई ये है, ऐसा होना चाहिए लेकिन है ऐसा, इसको कैसे बदले, इनके बारे में समस्याएं और समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। जब भी हम किसी काल की परिस्थितियां पढ़ते हैं तो उसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि परिस्थितियां पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आधुनिक कालीन साहित्य के माध्यम से राजनीतिक परिस्थितियां कैसी रही। आधुनिक काल के साहित्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि या परिस्थितियां जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की स्थापना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में विक्टोरिया शासन की प्रतिष्ठा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, बंग भंग, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, प्रथम विश्व युद्ध, जापान द्वारा रूस की पराजय, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, स्वराज्य पार्टी की स्थापना, जिन्ना का कांग्रेस से पृथक होना तथा मुस्लिम लीग में सम्मिलित होना, ये परिस्थितियां जो है हमारे समाज में उस समय थी जब हमारा आधुनिक काल का साहित्य लिखा जा रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ये परिवर्तन हुए हमारे देश में, समाज में। तो इस तरह की चीजें हैं, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिख के दिए, आप इसमें से चाहे तो 4-5 भी लिख सकते हैं, जान सकते, समझ सकते हैं। राजनीतिक परिस्थितियों को फिर मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है कि 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया और 1857 में दिल्ली, इस बीच उनका राज्य क्रमशः भारत में फैलता गया। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति इस काल की प्रमुख घटना है। इस नीति के द्वारा कई देशी रियासतों, सातारा, झांसी, नागपुर, जयपुर को अंग्रेजी शासन में मिला। लैप्स करने का मतलब है जोड़ लेना,
छोटे छोटे रजवाड़ों के समाप्त हो जाने से रीतिकालीन श्रृंगार परक साहित्य का निर्माण भी प्राय बंद हो गया था। साहित्य पर जो ये प्रभाव पड़ने लगा था, अर्थात हमारे हमारे देश की जो देसी रियासतें थी छोटी छोटी, वे सब जो है अंग्रेजी शासन में मिलती जाती। फिर उसके बाद 1857 का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध इस काल की अन्य प्रमुख घटना है। यही स्वतंत्रता की तरंग लगभग एक साल तक चलती रही और लगभग 1947 में हम विजयी ही हो गए थे। भारत में विक्टोरिया का शासन काल है, इसमें अनेक प्रकार की सांत्वनामयी घोषणाएं हुई, धर्म में हस्तक्षेप न करने की नीति आई। मतलब इसमें क्या है कि सांत्वना दी गई कि कुछ अच्छी घोषणाएं होंगी, विक्टोरिया का जब राज आया तो आपके जो भारतीयों के जीवन में यह बताएगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन आएंगे। फिर कहते हैं कि 1895 में कांग्रेस की स्थापना, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रशासकीय कार्यों में सहयोग देना था। 1920 में कांग्रेस की बागडोर गांधी जी ने संभाली, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ जोड़ा, असहयोग आंदोलन आरंभ किया। 1920-30 तक अंग्रेजों की कूटनीति का दमन चक्र भी खूब चला। हिंदू मुसलमानों की सांप्रदायिकता, हिंदी उर्दू संबंधी भाषा समस्या, मुस्लिम लीग की स्थापना आदि उनकी दुर्नीति का कुपरिणाम। अंग्रेजों ने देशवासियों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, नव चेतना नव निर्माण में परिणत हो गई। हिंदी साहित्य ने इस नव जागरण और नव राष्ट्रीय चेतना का केवल अनुसरण ही नहीं किया, वरन उसे प्रेरित भी किया और उसका मार्ग भी प्रशस्त किया। राजनीतिक स्थितियां इस तरह से चलती रही, क्योंकि हम राजनीति के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम उन स्थितियों के माध्यम से हमारा हिंदी साहित्य कैसा रहा, उसमें किन किन चीजों का वर्णन, किस किस चीज का प्रभाव रहा, यह जान रहे हैं। कि थोड़ा सा उन्होंने बताया कि इस तरह से जो है उथल पुथल मची हुई थी, और फिर जैसे ही देश आजाद हुआ, नव चेतना जागी, नर निर्माण हुआ, तो जो हिंदी साहित्य है उसमें भी नव जागरण की बात चलने लगी। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक परिस्थितियां। भारत के सामाजिक जीवन में आधुनिक काल में जो चेतना आई, उसका प्रमुख कारण है भारत का पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आना। भारतीय जीवन में अनेक सामाजिक परंपराओं में रूढ़ियों का प्रचलन था, जिसमें सती प्रथा, नर बलि, मनुष्य की बलि देना, बालिका हत्या, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, विधवा विवाह नहीं कर सकते आदि प्रमुख है। इन अन्य परंपराओं के कारण भारतीय समाज की दशा शोचनीय हो गई थी। ईसाई धर्म का भारत में प्रचार हो गया है, जो ईसाई धर्म के पादरी थे हिंदू धर्म की आलोचना करके कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सामाजिक संगठन समाज सुधार में जुड़े। समाज में क्या क्या हो रहा था, यह सब हम सामाजिक परिस्थितियों में पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की कट्टरता को दूर करने का प्रयास किया, उन्होंने वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, ये परिवर्तन आए। अब देखिए, यह आपने जब भी कोई परिस्थिति लिखते हैं तो पहले आप उसकी भूमिका लिखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, फिर उसको पॉइंट्स में लिखते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, इन सब का समर्थन किया। रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज आदि, ये सोसाइटी जितनी भी हुई आधुनिक युग में जो धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियां थी, उन सबको इन्होंने प्रभावित किया। इस युग में अरविंद घोष, रविंद्रनाथ, गांधी जी का भी समाज पर विशेष प्रभाव है। उन्होंने भी समाज में अनेक तरह के परिवर्तन किए। शोषित वर्ग, अर्थात जिनका शोषण हो रहा था, कृषक वर्ग जो किसान आदि थे, अर्थात मुख्य तौर से जो श्रमिक वर्ग थे और जिनके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन या दुख थे, तो कहते हैं कि उनका जो संघर्ष था, उनके अंदर परिवर्तन लाने का इस युग में काफी हद तक जो है प्रयास किया गया। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक परिस्थितियां। धार्मिक परिस्थितियों में क्या पढ़ेंगे, भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति विचारधाराओं के मेल से भारतीय वैष्णव भावना एवं आध्यात्मिकता ने मानववाद के रूप में अपने को स्थापित किया। धार्मिक में क्या हुआ, पाश्चात्य संस्कृति और जो भारतीय विचारधाराएं हैं, इनके मेल से जो वैष्णव भक्ति भावना है, आध्यात्मिकता है, उससे मानवतावाद का रूप जो है सामने आया, कि इंसान के प्रति मदद करने की भावना थी। अब तक तो हम मूर्ति पूजा आदि करते आ रहे थे, लेकिन जो आधुनिक साहित्य है उसमें इंसान और इंसानियत को भी स्थान दिया, मानवतावाद को भी स्थापित किया। धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई कि जो सभी धर्मों का सम्मान और आदर किया जाना चाहिए, किसी भी धर्म के प्रति आप कह सकते हैं कोई भी दुर्भावना नहीं रखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि अतिवाद के स्थान पर समन्वयात्मक हो गई। पहले हम एक चीज के लिए रिजिड थे,
अतिवाद था हमारे जीवन के, कि हिंदू कहते थे कि हम यही ही मानेंगे, मुसलमान कहते यही ही मानेंगे, सब अपनी अपनी तरफ खींचते थे, रिजिड थे हम, बंधन में बंधे हुए थे। लेकिन अब उसको हमने समन्वय अर्थात आपसी मेल जोल स्थापित कर दिया। हमारे जो धार्मिक भावनाएं थी उनमें वैज्ञानिकता और बौद्धिकता, अर्थात हम बुद्धि से काम लेने लगे, हमारे अंदर से अंधविश्वास हटने लगा था। अब हम आर्थिक स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे कि उसके बाद आर्थिक स्थिति जो थी पहले क्या था, जो गरीब था वो बहुत गरीब था। जैसे किसान है, सारा साल मेहनत करेगा, अनाज खुद पैदा करेगा, पर उस खुद भूखा मर रहा है। तो उसके बाद क्या है, जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति आई थी, तो जो सामंती व्यवस्था थी, जमींदारा व्यवस्था थी, वो लगभग खत्म हो चुकी थी। अंग्रेजों ने ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई जिससे हमारे हस्त अथवा लघु उद्योगों को हानि पहुंची। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करके अपने देश को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देश में महंगाई, अकाल, टैक्स आदि में वृद्धि हुई। जनसामान्य का जीवन स्तर जो है गिरता ही चला गया। पहले बेचारे अपना थोड़ा बहुत जीवन यापन करते थे, लघु छोटे उद्योग थे, वो सारे बंद हो गए। तो इस तरह से जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी वह भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। आर्थिक परिस्थितियां जो है पूंजीवादी व्यवस्था के कारण कृषक और मजदूर शोषण की चक्की में पिसने लगे। अंग्रेजों की नीतियों ने शोषण, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं बहुत बढ़ा दी, जिनका समाधान नहीं हुआ, दिनों दिन बढ़ती चली गई। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाई गई जिससे आर्थिक विकास हुआ और लोगों का आर्थिक शोषण भी कुछ हद तक राहत मिली। मतलब ये सारा शोषण हो रहा था, फिर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई जिससे थोड़ा सा विकास हुआ, या जो गरीब लोग थे, जो निम्न वर्गीय लोग थे, उनके जीवन में कुछ राहत का आपको कह सकते रास्ता दिखाई देने लगा। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक परिस्थितियां। साहित्यिक परिस्थितियां क्या होती हैं, कि उस समय में किस है से साहित्य में परिवर्तन हुआ, क्या क्या साहित्य लिखा गया। तो मैंने अभी आपको जब यह प्रश्न शुरू किया था बताया था कि जो आधुनिक काल है उसके दो भाग हैं, गद्य और काव्य। गद्य के बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन जो काव्य है, आधुनिक काल में काव्य है, उसके कई पड़ाव हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता में अनेक आंदोलनों की सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचा है। मतलब भारत में हिंदी साहित्य ने जो प्रगति की है, विकास किया है, उसका कोई सानी नहीं है, उसकी कोई मुकाबला बराबरी नहीं है। आधुनिक काल का साहित्य गरीबों के झोपड़ियों तक पहुंचता है, अर्थात उन्होंने समाज के हर वर्ग को अपने साहित्य में स्थान दिया है। इस युग के कवि में कवियों ने हर एक तरह के नाटक, एकांकी, उपन्यास सब लिखे, उसमें गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर स्थिति को, हर परिस्थिति को इसमें स्थान दिया है। कि जैसे आपको मैंने काव्य के बारे में बताया, ये पड़ाव आए, और जो गद्य है जिसमें आप अब पढ़ेंगे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, निबंध, संस्मरण, साक्षात्कार, आलोचना आदि अनेक नवीन विधाओं का जन्म। और नवीन विधाओं का अर्थ क्या है, कि आधुनिक काल से पहले हमेशा काव्य रचना ही लिखी जाती थी, और आधुनिक काल में जब गद्य का विकास हुआ तो ये सारी रचनाएं लिखी जानी शुरू हो गई। कुछ एक का तो आपको पता है, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, फिर जीवनी, निबंध भी जानते, संस्मरण, साक्षात्कार, आलोचना, और भी न जाने कितनी नई नई विधाएं, नई नई तरह से रचनाएं लिखी जानी शुरू हुई, और यह अपने विकास को प्राप्त हुई है। आज यह विधाएं अपनी उपलब्धियों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। जो भारतीय साहित्य है और उसकी जो रचनाएं हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस तरह से निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं, कि आधुनिक युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण हिंदी साहित्य में भी बहुत परिवर्तन हुए। हिंदी गद्य का विकास बदली हुई परिस्थितियों का ही परिणाम कहा जा सकता है। अतः भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधाराएं जैसे आदर्शवाद, अभिव्यंजनावाद, समाजवाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रतीकवाद, व्यक्तिवाद और गांधीवाद आदि ने हिंदी साहित्य के आधुनिक युग को प्रभावित किया है। अब मैं आपको यह बता दूं कि यह सारी चीजें जो है, जो समाज में परिवर्तन आए, जैसे आप ये कह सकते हो समाजवाद, इसका अर्थ क्या, ये कोई भी शब्द ले ले, इससे आप इस तरह से समझे कि समाज में परिवर्तन करने का प्रयास किया। यथार्थवाद का अर्थ क्या होता है, यथार्थवाद का अर्थ होता है कि जो सच्चाई है। जैसे कोई कह दे कि अभी हम तो समाज में ये करते हैं, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई जो नेता है, बड़े नेता है, बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ऐसा सच में होता नहीं है।
जो सच्चाई सच में होता है उसे हम यथार्थवाद कहते हैं। मनोविश्लेषणवाद का अर्थ है कि जो हमारी मानसिक स्थिति है उसके बारे में परिवर्तन करना। अभिव्यंजनावाद है, आदर्शवाद है कि बड़े बड़े दावे कर देना। अभिव्यंजनावाद है कि किसी चीज की अभिव्यक्ति करना। तो यह सारी चीजें जो इसमें परिवर्तन आ रहे थे समाज में, उन सब ने हमारे हिंदी साहित्य को बहुत प्रभावित किया है। इस प्रकार मैंने आपको आज हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का अर्थ क्या है उसमें हम गद्य भाग पढ़ेंगे। गद्य भाग के जो भी परिवर्तन है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो सारे मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आपको आधुनिक काल की परिस्थितियां जानना अति आवश्यक था, जो आपने आज जानी और समझी है। इस तरह से आपको पता चल गया कि इसकी राजनीतिक, धार्मिक, जो सामाजिक परिस्थितियां है वह कैसी रही और हमें उसको किस तरह से सीखना है, जानना है, यह आपने आज जाना।